सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। आई होप आप सबको अब तक में पता चल गया होगा। एंड अब स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन है कि क्या दो महीने में, बचे हुए दो महीने में क्या बीपीएससी प्री की तैयारी की जा सकती है, क्योंकि 12 दिसंबर को एग्जाम का डेट है। तो अगर हम 12 मान लें कि 12 दिसंबर को ही एग्जाम होगा, तो स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि क्या दो महीने में स्टडी या हमारी जो प्रिपरेशन है पूरी बीपीएससी प्री की, वो की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से अगले आने वाले दो महीने में हमें अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है। अगले दो महीने आपके लिए बहुत ही क्रूशल हैं। इन दो महीने में अपनी जान लगा दो, और उस जान को कैसे लगाना है, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितनी तारीख से कितनी तारीख में खत्म करना है, कितने दिन में खत्म करना है, और कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए। क्योंकि बिना सोर्सेज के, बिना यू नो राइटफुल सोर्स के किसी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना उस प्रिपरेशन के साथ धोखेबाजी है, तो वो हम नहीं करेंगे। तो ऑफकोर्स मैं आपको इसमें सोर्स भी बताऊंगा कि आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए। एंड आई कैन गारंटी अगर आप इस दो महीने के स्टडी प्लान के साथ स्टिक करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो बीपीएससी प्री है वो डेफिनेटली निकलने वाला है। जब मेंस आएगा तो हम मेंस की स्ट्रेटेजी की भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी का दो महीने का स्टडी का प्लान है ये, दो महीने स्टडी प्लान, 60 डेज स्टडी प्लान। और सब्जेक्ट्स को दोस्तों मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, अलग अलग 7 सब्जेक्ट्स में हमने डिवाइड किया है, और 2 अलग अलग सेशंस रखे हैं। एक होगा मॉर्निंग सेशन जिसमें आप 3-4 घंटे पढ़ेंगे, और एक होगा इवनिंग सेशन जिसमें आप 3-4 घंटे पढ़ेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अभी से लेके दो महीने तक, अगले जो दो महीने हैं उसमें आप 6-8 घंटे की स्टडी बीपीएससी को देंगे, जो कि आपको देनी पड़ेगी। और मेरी बात मानो, अगर अभी आप अभी तक भी आपने बीपीएससी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप ये वाला स्टडी प्लान फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आपका प्री निकलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेम ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है। अगर वर्किंग प्रोफेशनल मॉर्निंग में 2-3 घंटे और शाम को 2-3 घंटे देने के लिए मैनेज कर पाएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए भी ये स्टडी प्लान वर्क करेगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन आस्क एनी डाउट हियर रिगार्डिंग एनी गवर्नमेंट एग्जाम। तो देखो जी, अब ऐसा है कि मॉर्निंग में कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे 3-4 घंटे, और इवनिंग में कुछ 3-4 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 2 अलग अलग सेशंस में मैंने आपके दिन को बांट दिया है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग में अलग सब्जेक्ट होगा, इवनिंग में अलग सब्जेक्ट होगा। शुरुआत हम उन सब्जेक्ट से करेंगे गाइस जिनका वेटेज एग्जाम में सबसे ज्यादा है। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि वेटेज सबसे ज्यादा 3 चीजों का है, हिस्ट्री, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। इतना वेटेज है कि अगर आपके ये 3 सब्जेक्ट पक्के हैं, इसमें से अराउंड 90 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, अराउंड 90 क्वेश्चन। तो अगर इन 90 में से अगर आप 80 मार्क्स लाने में सफल हो गए, अगर आप सक्सेसफुल हो गए कि आप 80 मार्क्स लेके आओ आउट ऑफ 90, तो आपका एग्जाम निकलना तय है, क्योंकि उसके बाद जो बाकी बचा हुआ सेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ तो लेके आओगे ऑफ कोर्स, ओके। तो चलो सबसे पहले, आज है 26 सितंबर, तो मैं मान के चलता हूं कि कल से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे, तो 27 सितंबर से 11 अक्टूबर, और 15-15 दिन मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट को दिया है, 15 दिन मॉर्निंग 15 दिन इवनिंग इस तरीके से। तो 27 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर में आपको हिस्ट्री खत्म करनी है, जो ये 15 दिन बनते हैं पहले के 27 सितंबर, 27 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर 15 दिन है, उसमें आपको हिस्ट्री खत्म करनी है मॉर्निंग आवर्स में। मॉर्निंग के आप 3-4 घंटे भी अगर डेली के 15 दिन दोगे हिस्ट्री को, तो डेफिनेटली आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, इवन इफ आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। और इसमें आपको 2 चीजें फॉलो करनी है, एक है लूसेंट, लूसेंट में हिस्ट्री दे रखी है वो आपको पढ़नी है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी में भी लूसेंट आती है, आप वो ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर की एक छोटी सी बुक आती है स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो आपको पढ़नी है। ऑलराइट, ये मेरे पास पढ़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये स्पेक्ट्रम है मॉडर्न इंडिया की, ये आती है, ये आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यस, तो मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम आप फॉलो कर सकते हैं, राजीव अहिर की ये किताब है, ठीक है। उसी के साथ साथ हिस्ट्री के साथ साथ आपको चलाना है अपनी जनरल साइंस को। अब आप में से कई स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ बीएससी ग्रेजुएट्स होंगे, और कुछ नहीं भी होंगे, तो जो अगर नहीं भी हैं उनको भी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। साइंस के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आपने की है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। 27 सितंबर, 27 सितंबर से 11 अक्टूबर, 15 दिन आपके पास इसके लिए भी है, और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट जनरल साइंस फॉलो करनी है, एंड दिस इज मोर देन इनफ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आई कैन गारंटी यू। लूसेंट जनरल और आराम से 15 दिन में कवर की जा सकती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है 15 दिन में कवर करना, 15 दिन बहुत है लूसेंट जनरल साइंस के लिए, ठीक है। और साइंस के लिए आपको चिंता करने की इसलिए भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं खुद साइंस की एमसीक्यू सीरीज कंडक्ट कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर, हमारे दूसरे चैनल पे,
दूसरे चैनल का नाम है यूपीएससी पीडिया। जितनी भी बीपीएससी से रिलेटेड क्लासेस होंगी वो सारी की सारी होंगी यूपीएससी पीडिया पे, anujindal.in पे नहीं होंगी। यूपीएससी पीडिया पे मैं आपको साइंस का एक प्रॉपर एक एमसीक्यू लेके आऊंगा, सीरीज ऑफ एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज, ठीक है। जैसे फिजिक्स के चैप्टर है मोशन, ग्रेविटेशन, केमिस्ट्री के चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैं आपके सामने लेके आऊंगा। और वो एमसीक्यूज इस तरीके से होंगे कि आपको उसमें टॉपिक भी एक्सप्लेन होंगे और एमसीक्यू भी होगा। तो साइंस की चिंता तो आप छोड़ दो, बट यस आपको ये प्रिपेयर करके रखना है। 27 से सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में 15 दिन आपको देने हैं जनरल साइंस को, लूसेंट की जनरल साइंस आपको कवर करनी है। हिस्ट्री में मैं आपको एक चीज और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, हिस्ट्री तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एशियन, मिडिवल और मॉडर्न। आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है मॉडर्न पे, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है वो पूरी की पूरी मॉडर्न है। 1857 में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, कोई रोक ही नहीं सकता। तो अगर मान लो कि 40 क्वेश्चन हिस्ट्री में से आ रहे हैं तो एक तो आपको पता ही है कि वो 1857 में से आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फोकस करना है मिडिवल पे और फिर आपको जाना है एशियंट पे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हिस्ट्री में ये भी ध्यान रखनी है कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अरिहंत की एक बहुत अच्छी किताब आती है, उसमें 1992 से लेकर अब तक के सारे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। उस प्रीवियस ईयर पेपर में से आप सारे पेपर जरूर करके जाना, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं बीपीएससी में जो रिपीट भी हो जाते हैं, तो वो आपको काफी फायदा देगा, ठीक है। 11 अक्टूबर के बाद आप 12 अक्टूबर से उठाओगे 26 अक्टूबर तक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का कोई बहुत ही ज्यादा डीप क्वेश्चन गाइज नहीं आता है, ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप बेसिक ज्योग्राफी भी पढ़ के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। 12 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर लूसेंट आपको पढ़नी है, लूसेंट तो मतलब आप छोड़ ही नहीं सकते, लूसेंट की ज्योग्राफी पढ़नी है, 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है, 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। अब देखो 11th, और अब आप कहोगे यार 12th की एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी इतनी जल्दी जल्दी पढ़वा रहे हो, कैसे होगा? हो जाएगा, मेरी बात मानो, बहुत पतली पतली किताबें होती हैं, 5-5-6-6 उसमें चैप्टर्स हैं। और अगर मान लो नहीं होता है, ठीक है, लेट अस से कि आपसे 12th की एनसीईआरटी नहीं हो पा रही है, तो 12th की एनसीईआरटी आप छोड़ देना, 11th की एनसीईआरटी है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी आपके पास गिवन है, इंडियन ज्योग्राफी जरूर कर लेना, एनसीईआरटी से इंडियन ज्योग्राफी जरूर कर लेना। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं करना चाह रहे, आपके पास लगता है कि भाई नहीं टाइम नहीं बच रहा है, तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, लूसेंट पढ़ लेना। और लूसेंट में जितने भी वो चीजें होती हैं, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें, डीपेस्ट, ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इंडियन पॉलिटी पे, 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर सेम आपको इवनिंग के टाइम में किसको देना है, पॉलिटी को, एंड ओनली सोर्स लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा अगर आपके पास लक्ष्मीकांत, आपसे नहीं पढ़ी जा रही लक्ष्मीकांत, आपको लग रहा है नहीं यार लक्ष्मीकांत मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत मोटी किताब है, तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हो, लूसेंट भी पढ़ सकते हो। 10 के करीब क्वेश्चन आएंगे इंडियन पॉलिटी के, आराम से फंस जाएंगे, आराम से लूसेंट में से फंस जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के 30 से 35, साइंस के 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के 30 होते हैं, ठीक है। तो ये चार सब्जेक्ट्स आपके हो गए 26 अक्टूबर तक। अब आ जाओ मैथमेटिक्स पे, भाई मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन फिक्स हैं, कोई नहीं रोक सकता। अब आपको ये उठाना है 28 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक, ठीक है। आप 27 से 11 तक आपने दो सब्जेक्ट कर लिए, हिस्ट्री और साइंस मॉर्निंग इवनिंग, फिर 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक अगेन दो सब्जेक्ट हो गए ज्योग्राफी पॉलिटी। इसके बाद आप पकड़ोगे 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आप पकड़ोगे मैथ, ठीक है। मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करना ही काफी होगा, प्रीवियस ईयर पेपर करना ही काफी होगा, क्योंकि घुमा घुमा के उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो कोई भी बुक सीजीएल में जो चलती है, जैसे किरण प्रकाश किशन की चलती है, राकेश यादव सर की चलती है, अभिनय शर्मा की चलती है, तो वो आप ले सकते हो। और उसमें भी आपको ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है, डिफिकल्ट वाला, वो नहीं पढ़ना है, ज्योमेट्री वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, केवल जो एरिथमेटिक वाला पोर्शन है केवल वो पढ़ के जाना। और जनरली फिक्स क्वेश्चन होते हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में से एक क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एपी में से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर, और उसके बाद अगर टाइम बचे तो एनी बुक फॉर सीजीएल, ठीक है। और ये केवल रिवीजन के तौर पे लेके चलना है, तो सबसे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। सेम आपको इवनिंग में इंडियन इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम, इंडियन इकोनॉमी की एक बहुत ही शानदार किताब है रमेश सिंह, या फिर आप नितिन सिंघानिया की भी ले सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और गवर्नमेंट स्कीम के लिए मेरे सेशंस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत सारी लैंडमार्क स्कीम्स उसके ऊपर कवर्ड है, तो आप वहां से देख लो, उसके बाद आपको स्कीम्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स स्कीम्स जो जो करंट अफेयर्स में है वो भी पढ़नी ही है, जो कि हम पीआईबी करंट अफेयर्स में कवर करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम पे, जो कि है करंट अफेयर। करंट अफेयर दोस्तों आपको डेली पढ़ना है 1 घंटा। देखो करंट अफेयर के करीब 30 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर का जो स्कोप है,
जो करंट अफेयर का स्फेयर है वो बहुत ज्यादा वाइड है, तो उस वाइड स्फेयर को अगर हमें कवरअप करना है तो हमें आज से लेके हर एग्जाम तक डेली हमें एक घंटा करंट अफेयर को देना ही पड़ेगा। और करंट अफेयर आप कैसे पढ़ोगे, हमारी एक मंथली मैगजीन है स्पॉटलाइट, आप उसको पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ पीआईबी करंट अफेयर के सेशन जो कि मैं लेके आता हूँ यूट्यूब पे, आप वो फॉलो कर सकते हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। स्पॉटलाइट मैगजीन इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि कोई भी न्यूज हमारे देश की आ रही है तो वो नहीं छूटेगी, ठीक है। अब आपके मन में, कई लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब आपने बिहार स्पेशल की तो बात ही नहीं करी। तो देखो बिहार स्पेशल की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार स्पेशल आपको डेली पढ़ना है। देखो बिहार से आएंगे करीब 15 क्वेश्चन बिहार स्पेशल, उसमें भी बिहार स्पेशल में भी अगर मान लो कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पांच सात क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि आपके करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाएंगे, वो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिहार स्पेशल के लिए दो किताबें हैं, बिहार समग्र केबीसी नैनो पब्लिशर की है, और एक बिहार परिचय जो कि इम्तियाज अहमद की किताब होती है, वो आप इन दोनों में से कोई भी किताब आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली 20 मिनट्स 25 मिनट्स आधा घंटा जितना भी आपको मिलता है वो आपको देना है इसको, ठीक है। ये हो गया आपका अभी तक 11 नवंबर तक, देखो मैंने आपका सिलेबस खत्म करा दिया 11 नवंबर तक। तो आप कहोगे अच्छा 12 दिसंबर तक क्या करेंगे, अभी तो एक महीना बचा है। तो भाइयों एक महीने में रिवीजन कौन करेगा, बिना रिवीजन के पेपर देने जाने का मतलब ये होता है कि आप बिना प्रैक्टिस करे जंग में चले गए, और बिना प्रैक्टिस करे जंग में जाओगे तो क्या होगा, ठीक है मारे जाओगे। तो ये हो गया आपका अभी तक का, ये आपको चीज अभी तक सब्जेक्ट वाइज हो गया। अब आ जाओ रिवीजन पे, 11 नवंबर को आपको सिलेबस खत्म हुआ, 12 नवंबर की मैंने आपको छुट्टी दे दी, 12 नवंबर हॉलीडे। और भाई देखो ऐसा है कि फेस्टिवल आने वाले हैं, मैं समझ रहा हूँ नवरात्रि आने वाले हैं, दशहरा आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, भैया दूज आने वाला है, पूरा का पूरा फेस्टिव सीजन आने वाला है। अब आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करना है कि आपको फेस्टिवल मनाने हैं या आपको बीपीएससी का एग्जाम क्लियर करके एसडीएम बनना है, और उसके बाद पूरी जीवन भर दिन में होली रात दिवाली मनानी है। भाई मैं बता रहा हूँ चार चांद हो जाता है बिहार में अगर एसडीएम लग गए, बहुत बढ़िया। वहां पे आपको एक तो सोसाइटी में काफी ज्यादा वहां पे इज्जत मिलती है, ऑफकोर्स आपकी एक स्टेबल जॉब होगी, आप लोगों से जुड़ोगे। तो अगर आपको फेस्टिवल मनाने हैं अगले दो महीने में तो फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है, मैं आपको सीरियसली कहता हूँ, आपको फेस्टिवल्स में नहीं जाना है। ठीक है आई एग्री कि दिवाली की घर में पूजा होगी तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, पर दिवाली की पूजा होगी 2 घंटे ही तो होगी 24 घंटे में से, तो 2 घंटे दे देना। दशहरे की पूजा होगी तो 2 ही घंटे तो होगी, 2 घंटे दे देना। अब उसको आपको कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर है। तो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको फेस्टिवल मनाने हैं या आपको एसडीएम बनना है, तो दो अलग अलग बातें, एक एसडीएम बना रहा है आपको और एक फेस्टिवल मनाना है, तो भाई आप ऑब्वियसली एसडीएम चुनोगे ना, ठीक है। तो 11 नवंबर को सिलेबस खत्म, 12 नवंबर को चिल करो, आराम करो, मूवी देखने जाओ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो उसके साथ घूमने जाओ, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ, चिल करो 12 नवंबर को। 13 नवंबर से वापस आ जाओ काम पे। हिस्ट्री 5-5 दिन का रिवीजन मैं आपको दे रहा हूँ, 5-5 दिन रिवीजन के लिए बहुत होते हैं यार, और आप देख सकते हो मैंने आपको कितनी सारी विंडो दी है, ठीक है। 5 दिन हिस्ट्री के रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा है, कोई हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है 5 दिन, और इसमें तो मॉर्निंग इवनिंग भी नहीं है। अगर आप 6 घंटे एक दिन में हिस्ट्री पढ़ोगे तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी रिवीजन खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको 5 दिन दिए कि आराम आराम से करो, एक एक चीज को अपने दिमाग में बैठा के एक एक चीज को कनेक्ट करके काम करो। हिस्ट्री करनी है आपको 13 से 17 नवंबर, साइंस करनी है आपको 18 से 22 नवंबर, 5 दिन अगेन, ज्योग्राफी 23 नवंबर से 27 नवंबर, इंडियन पॉलिटी 28 नवंबर से 2 दिसंबर, जो कि 2 दिन का काम भी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको 5 दिन दिए। मैथमेटिक्स को 3 दिसंबर से 6 दिसंबर, 4 दिन में मैथमेटिक्स आराम से रिवाइज की जा सकती है। इंडियन इको गवर्नमेंट स्कीम भी आराम से 4 दिन में रिवाइज की जा सकती है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर्स को अभी भी आपको डेली 1 आवर रखना है, और बिहार स्पेशल को डेली 1/2 आवर रखना है, यानी 12 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक, 11 दिसंबर तक जबकि आप जब तक कि आपका एग्जाम है तब तक आपको डेली 1 आवर करंट अफेयर को तो पकड़ के चलना ही चलना है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि साहब करंट अफेयर कब तक का करें, तो करंट अफेयर मिनिमम 1 साल का, जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक का आपको करंट अफेयर्स करना ही करना है, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। करंट अफेयर आपको 1 साल का करके जाना है, जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक, तो 10 दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म, रिवीजन खत्म, 11 दिसंबर को आराम करो, नींद पूरी करो, और 12 दिसंबर को जाओ पेपर देने, अगर वो 12 दिसंबर को होता है तो। तो आप अगर गाइज इस तरीके का प्लान फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू द एग्जाम, एंड ऑफ कोर्स 15 से 20 मॉक टेस्ट दिए बिना पेपर में मत चले जाना। अगर 15 से 20 मॉक टेस्ट दिए बिना पेपर में गए तो फिर ये जो तुमने प्रिपरेशन करी है ना इतने समय में,
जो पिछले 2 महीने आपने प्रिपरेशन करी है वो बेकार हो जाएगी, उससे फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस चीज का। तो 15 से 20 मिनिमम 15 और मैक्सिमम तो कितने भी लगा पाओ। मेरे हिसाब से आपको, मैं अगर होता आपकी जगह पे तो मैं कम से कम 30 मॉक टेस्ट लगा के जाता, लेकिन अभी क्योंकि टाइम कम है तो मैं आपसे कहूंगा 15 मॉक टेस्ट भी लगा के जाओगे तो वो भी मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा है 15 मॉक टेस्ट, उतना भी कर लो तो बहुत है। ठीक है, तो ये था गाइस स्टडी प्लान 60 डेज का, आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। एंड नाउ मैं सेशंस की बात करता हूँ। जनरल साइंस के एमसीक्यू के सेशन होंगे, जनरल साइंस के एमसीक्यू के सेशन होंगे, ठीक है, एमसीक्यू के सेशन होंगे जनरल साइंस के, इसमें क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगी, तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो एक्सप्लेनेशन होगी वो बायलिंगुअल कोशिश करूंगा ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों को समझ में आए। इसके अलावा अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 यानी पिछले 1 साल का बिहार का करंट अफेयर भी आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन ये होगा ऑन डिमांड। इसके लिए मुझे चाहिए होंगे कमेंट्स, अगर आप इसमें वीडियोस में कमेंट करके बताओगे, या जनरल साइंस की एमसीक्यूज जब शुरू होंगी अराउंड 8 अक्टूबर के आसपास ही मैं शुरू कर दूंगा, 1 अक्टूबर के आसपास ही शुरू कर दूंगा मैं, तो जनरल साइंस की एमसीक्यूज जब होंगी उसमें भी अगर आप कमेंट करोगे कि बिहार करंट अफेयर आपको चाहिए जनवरी से दिसंबर तक, तो उसका भी एक सेशन कंडक्ट हो जाएगा, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा 60 दिन का स्टडी प्लान, और यूपीएससी पीडिया नाम का चैनल है उसी के ऊपर सारे सेशन होंगे। जल्दी जाओ यूपीएससी पीडिया को सब्सक्राइब कर लो, और उसका लिंक आपको यूपीएससी पीडिया का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो लोगो देख लो, इस तरीके का हमारा चैनल है यूपीएससी पीडिया, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, सेशन वहीं पे होंगे बीपीएससी के सारे। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो courses.anujindal.in पे जा सकते हो, ये सारी चीजें आपको, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ जो सोर्सेज बताए हैं, इन सभी सोर्सेज से सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कोर्स में कवर है, तो आपको इन सभी अलग अलग सोर्सेज पे नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप हमारा कोर्स ले लेते हैं तो आपको एक जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, ये फायदा होगा कोर्स का। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं, मेरा कोर्स बेचने का लालच नहीं है, मेरा लालच सिर्फ इसमें है कि आप लोगों का एग्जाम पास हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।